शमिता शेट्टी फैंस के लिए सबसे बड़ी खबर, बेहोश हुई शमिता शेट्टी के बारे में, मतलब कि वो कैसी अपडेट है, इस वीडियो में आपको बताता हूँ। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और स्वागत है आपका फीफा फूज में। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूँ, RHULBHOJ राहुल भोज के नाम से, वहाँ पर फॉलो करें। साथ ही साथ तमाम तरीके के ऑफिशियल हैंडल्स जो हैं फीफा फूज के, उन्हें भी फॉलो करें फॉर चटपटी अपडेट। अब शमिता शेट्टी कल रात को दोस्तों बेहोश हो गई। बेहोश होकर वो गिरती है और बेहोश होके गिरने के बाद शमिता शेट्टी सचमुच में दोस्तों हम सबको हैरान कर देती है। बताना चाहता हूँ कि डेबोलिना के साथ इतना भयंकर झगड़ा हो गया, रश्मि भी कूद पड़ी यहाँ से, और प्लस हाथापाई की नौबत आ गई, जिस पर मैंने आपको खबर बताई थी कि शायद हो सकता है बिग बॉस ने एलिमिनेशन का जो है कैंसिल कर दिया है जो, और साथ ही साथ बिग बॉस ने सारे कंटेंडर को नॉमिनेट कर दिया है फॉर एंटायर सीज़न। अब आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसी चीज़ को लेकर शमिता शेट्टी के सबसे बड़ी अपडेट, शमिता शेट्टी इज़ बैक, गुड न्यूज़ है फैंस के लिए, सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि फैंस बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहे थे। मुझे बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पे मैसेजेस किए कि राहुल सर ये बताइए वो बताइए, इंस्टाग्राम पे मैसेज किए, ट्विटर पे पूछा। तो आपको बताना चाहता हूँ शी इज़ बैक, वो कल रात को ही आ गई थी दरअसल, और ज़्यादा नहीं, एक दो घंटे का गैप रहा होगा, उनको डॉक्टर ने जो है चेकअप किया, फिर उसके बाद जो है वो वापस आ गई। तो ऐसे में दोस्तों शमिता शेट्टी की अगर बात करें तो अब वो खेल में वापस आई हैं। डेबोलिना जो कि शमिता को अपना टारगेट बाहर से बनाकर आई हैं, उनका क्या रिएक्शन होगा ये तो खैर हमें जब एपिसोड देखेंगे तब पता चलेगा। सो कमेंट सेक्शन में जाएं, इस बारे में मुझे ज़रूर बताएं, शमिता शेट्टी की वापसी पर कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं ये भी बताएं, और बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूज। बाय बाय।